subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट 360। मैं विकास यादव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि अपन आज का टॉपिक जो अपना रहेगा SI एंड CI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। केवल मूलधन पर साधारण ब्याज, पहली चीज, हर वर्ष के लिए क्या होता है, समान होता है। साधारण ब्याज जो होगा हर वर्ष के लिए क्या होगा, समान होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हर वर्ष के लिए अलग अलग होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है, और साधारण ब्याज में क्या होता है, केवल मूलधन पर ब्याज दिया जाता है। ये दोनों में सिंपल सा अंतर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दोनों के लिए अपन पहले फॉर्मूले की बात करें कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो ऐसा ही बराबर होगा P × R × T/100। P मतलब प्रिंसिपल, मूलधन होगा। R मतलब दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। T मतलब समय, ठीक है, टाइम है। और यहाँ पर SI की बात करें तो ये क्या होगा आपका, साधारण ब्याज होगा। SI जो है वो क्या होगा आपका, साधारण ब्याज होगा। ये सिंपल फॉर्मूला हुआ इसका। इसी प्रकार से जैसे अपन चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले की बात करें कि CI बराबर क्या होता है, तो P − P × 1 + R/100 की पावर n, जिसमें n क्या होगा आपका, समय होगा। ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए होता है। जैसे अमाउंट की, मिश्रधन की बात की जाए तो मिश्रधन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये तो हुआ फॉर्मूले की बात। इस प्रकार से आप जो है फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उसके अतिरिक्त आज पर एक नई मेथड देखेंगे जिससे आप 10 सेकंड में कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो उस ट्रिक को अपन पहले समझेंगे कि किस प्रकार से आपको जो है सॉल्व करना है, ब्याज निकालना है। पहली चीज तो एक ही तरीके से आप साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर हुआ, केवल एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सभी चीजों को आप अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी पर अपन आते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर अपन चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष की बात करें, तो सिंपल मैं एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाऊंगा कि किस प्रकार से जो है आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं या साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहली लाइन अपनी ये है मूलधन की, और पहले वर्ष क्या होगा, केवल मूलधन पर ब्याज प्राप्त होगा, तो ये ब्याज की एक लाइन। दूसरे वर्ष की अपन बात करें तो मूलधन पर ब्याज और इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तीसरे वर्ष की यदि अपन बात करें तो एक मूलधन पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सभी ब्याज पर ब्याज प्राप्त करना हुआ, तो 1, 2, 3 ब्याज है, तो इन 3 ब्याज पर ब्याज प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया आपका, 3 वर्ष का डायग्राम हो गया। इसी प्रकार 4 वर्ष, 2 वर्ष या कितने भी वर्ष के लिए अपन बना सकते हैं। लाइन या डायग्राम का तरीका क्या होगा, ये क्या है आपका, 1 वर्ष के लिए 1 लाइन, 2 वर्ष जस्ट डबल कर दिया, 3 वर्ष जस्ट डबल कर दो, 4 वर्ष आ रहे हैं जस्ट इसका डबल, मतलब 1 लाइन 2 लाइन 4। अब इसके बाद क्या आएगा, 8। ठीक, मैक्सिमम जो है 2 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष 3.5 वर्ष तक का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है, इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। और आप कितने भी समय के लिए बिल्कुल इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। दर अलग अलग होगी तब भी निकाल सकते हैं, समान दर होगी तब भी जो है अपन इसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो सिंपल मैं पहले इस डायग्राम को डिस्क्राइब कर दूं कि इसमें कौन सी चीज कहां पर होगी और किसको क्या माना जाएगा। जैसे मान लीजिए पी अपन ने मान दिया, ये क्या है आपका, मूलधन। पहले वर्ष क्या होगा, केवल पी पर ब्याज होगा, तो जिसको मैंने P1 से डिनोट कर दिया। दूसरे वर्ष की बात करें तो मूलधन पर ब्याज और इस ब्याज पर ब्याज, मतलब P1 पर ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया। 2 के साथ अपन डिनोट कर रहे हैं, मतलब ये सेकेंड ईयर का है। थर्ड ईयर की बात करें तो पहले पी पर ब्याज होगा, पहले वाले ब्याज पर ब्याज, दूसरे ब्याज पर ब्याज और तीसरे ब्याज पर ब्याज प्राप्त होगा, ये 3 वर्ष का ब्याज। अब यहां पर अपन बात करें तो पहला जो कॉलम है ये किसके लिए है, मूलधन के लिए है। इसे यदि कंप्लीट की बात की जाए तो ये कंप्लीट क्या होगा आपका, CI होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसे यदि कंप्लीट की बात करें तो ये कंप्लीट क्या हो गया आपका, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। दूसरा, अपन केवल पहली लाइन की बात करें, ये जो पहली रो आपको दिख रही है P1, P2 और P3, ये क्या होगा आपका, साधारण ब्याज होगा, ऐसा ही होगा कंप्लीट। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, जो पहली रो है ये किसकी है, साधारण ब्याज की है। और शेष जो ये बच गया ये क्या होगा,
एसआई और सीआई का अंतर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ये क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। यहां पर अपन बात करें तो ये केवल पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये केवल तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, और तीनों को यदि जोड़ दें तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके जो है चक्रवृद्धि ब्याज, तो कंप्लीट जो है तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। एक सिंपल से अपन एग्जांपल से यहाँ पर समझते हैं कि किस प्रकार से जो है अपन इसको निकालेंगे। पहले मैं दो वर्ष के लिए यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ आपको। एक जैसे मान लीजिए ये मूलधन आपको दिया है कि 1000 रुपए, यदि मूलधन है, मूलधन आपको दिया है कितना है 1000 रुपए है, वार्षिक ब्याज दर जैसे अपन ने मान ली 10% है, और दो वर्ष का जो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है या साधारण ब्याज निकालना है या दोनों का अंतर निकालना है। तो जैसा कि यहाँ पर दिखा है 1000 रुपए, 10% दर है, कोई भी चीज यदि प्रतिशत में दी हो तो इसको अपन फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, 10/100। ये देखिए एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कैंसिल, मतलब क्या बचेगा आपका 1/10। तो जस्ट आपको उसे करना 1/10 का इंटू या 10% निकालते हुए आना है, तो 1000 का 10% या 1/10 भाग, तो 1000 का 1/10 भाग क्या हो गया 100, फिर 100 का 1/10 भाग या 100 का 10%, तो 100 का 10% या 1/10 भाग क्या होगा 10। ठीक, ये साधारण ब्याज है जो कि हर वर्ष का क्या होता है समान, तो ये भी क्या होगा 100। अब यहां से आप इस डायग्राम से जो है कंप्लीट चीज सभी को निकाल सकते हैं विद इन 10 सेकंड। ठीक है, यहां पर अपन बात करें तो ये जो पहली लाइन है ये किसकी है, साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज कितना हो गया आपका 200 रुपए। ये कंप्लीट जो है ये क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, तो सीआई कितना हो गया आपका 210 रुपए। ये क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज में से यदि अपन साधारण ब्याज हटा दें तो ये क्या हो गया एसआई और सीआई का अंतर, तो सी आई माइनस एस आई कितना हो गया आपका 10 रुपए। और चक्रवर्ती ब्याज के साथ यदि अमाउंट मूलधन को और मिला दिया जाए, प्रिंसिपल को और मिला दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन हो गया, मतलब अमाउंट हो गया, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 210 ब्याज है और 1000 रुपए क्या है मूलधन है, तो टोटल कितना हो गया 1210 रुपए, ये क्या होगा आपका अमाउंट होगा। तो सिंपल एक ही डायग्राम से आप सभी चीज निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से, दर आपको कोई भी दी हो किसी भी दर के लिए जो आप सिंपल इसी डायग्राम से सभी चीज अपन बना सकते हैं। अब अपन देखेंगे कि किस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, एक और एग्जांपल से यहां पर अपन देखते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया आपको कि 5000 रुपए पर 5% की दर से और दो वर्ष के लिए निकालना है, 5000 रुपए 5% की दर से दो वर्ष के लिए, तो पहले सिंपल आपको करना क्या होगा दो वर्ष का डायग्राम बनाना है, तो ये दो वर्ष के लिए डायग्राम हो गया, तो ये दो वर्ष का डायग्राम। अब मूलधन कितना दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 5000, तो ये 5000 लिख दिया। ब्याज दर कितनी है 5%, तो चाहो तो 5000 का 5% या 5/100, और दो वर्ष था तो ये दो वर्ष का डायग्राम हो गया, 5000 × 5/100, ये दो जीरो कट गया, कितना आ गया 250, फिर 250 × 5/100 यहां पर क्या होगा, एक जीरो से जीरो कट गया, 125/10, 125/10 मतलब कितना हो गया 12.5, और ये 250, और ये क्या हो गया आपका 250 हो गया। सिंपल यहां पर बात करें पहली लाइन जो थी ये साधारण ब्याज के लिए थी, तो ऐसा ही कितना हो गया आपका 500 रुपए। ये कंप्लीट जो होता है ये क्या होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, तो सीआई यहां पर कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 512.5। दोनों की डिफरेंस की बात करें सीआई माइनस एसआई की, तो सीआई माइनस एसआई कितना होगा 12.5, और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट के लिए क्या हो जाएगा 5000 और जोड़ दिया जाए, मतलब कितना हो गया 5512.5। तो बिल्कुल आसानी से आप सभी चीजों को निकाल सकते हो, कितने भी समय के लिए निकाला जा सकता है, एक वर्ष, दो वर्ष, डेढ़ वर्ष,
ढाई वर्ष, 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 5 माह या 2 वर्ष 2 दिन का भी आप जो है इस डायग्राम से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये किसके लिए है? 2 वर्ष के लिए हुआ। एक और एग्जाम्पल अपन 2 वर्ष के लिए देखेंगे। ठीक, जैसे यहां पर दिया है कि 12,000 रुपए 4% की दर से और 2 वर्ष, तो पहले 2 वर्ष के लिए डायग्राम बनाएंगे अपन। तो ये 2 वर्ष का डायग्राम हो गया। 12,000 रुपए मूलधन दिया है, ये 12,000 मूलधन हो गया। 4% मतलब कितना होगा? 4/100। तो 12,000 × 4/100, 2 जीरो और 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 12 × 48 480। फिर 480 × 4/100, एक जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, कितना होगा? 8 × 32 3, 4 × 16 और 3 19 और 1 पॉइंट। तो ये एक नीचे जीरो है, तो एक के बाद ये पॉइंट हो गया और ये 480। ठीक है, तो यहां पर फिर से वही पहली लाइन जो होगी ये SI की होगी। SI कितना हो गया? 480 और 480 कितना? 960 रुपए। ये जो कंप्लीट होगा ये क्या होगा? आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। CI होगा कितना? हो गया 979.2 और दोनों के डिफरेंस की अपन बात करें कि CI माइनस SI कितना होगा, तो 19.2। ये क्या हो गया? CI माइनस SI। और अपन यहां पर अमाउंट की बात करें, मिश्र धन की बात करें, तो मिश्र धन में क्या हो जाएगा? मूलधन ब्याज के साथ क्या कर दिया जाए? मूलधन को और जोड़ दिया जाए, तो 12,000 और 979.2। तो 12,979.2 ये क्या हो गया? आपका अमाउंट हो गया। तो सिंपल एक ही तरीके से आप जो है सभी चीजों को निकाल सकते हैं। ये जो अपन देख रहे हैं कितने समय के लिए है? 2 वर्ष के लिए है। अब जैसे मान लीजिए दर जो है अभी तो आपको दिया है कि पूर्ण संख्या के रूप में है, पॉइंट के रूप में आ गई, तो पॉइंट के रूप में भी आप बिल्कुल आसानी से इसको बना सकते हैं। पॉइंट के रूप में भी जो है बिल्कुल आसानी से बन सकता है, केवल आपको उतने प्रतिशत लिखते हुए चलना है नीचे की ओर। ठीक है, तो जैसे पॉइंट के लिए भी अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर दर दिया होता आपको 2.5%, दर कितना दिया है? 2.5%, 2 वर्ष और 12,000 रुपए जो मूलधन दिया है। तो 2 वर्ष, तो पहले ये 2 वर्ष का डायग्राम हो गया। 12,000 रुपए मूलधन है, तो ये 12,000, 2.5% है, तो क्या लिखेंगे अपन? 2.5/100। पॉइंट यदि हटा दे तो ये क्या हो गया? जीरो। अब देखें 12,000 × 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, 25 × 50 जीरो, 5, 25 × 25 और 5 300, 300 × 25/1000। यहां देखें 2 जीरो और 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 75/10, 75/10 मतलब कितना हो गया? 7.5 और ये क्या हो गया? 300। ठीक, सिंपल। SI क्या होगा? जो पहली लाइन है ये SI के लिए है, तो 300 और 300 कितना हो गया साधारण ब्याज? 600। ये कंप्लीट जो है चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर कितना है? 607.5। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 607.5। और अपन दोनों के डिफरेंस की बात करें कि CI माइनस SI कितना होगा, तो 7.5। और अमाउंट की बात की जाए कि अमाउंट कितना हो जाएगा, तो इस ब्याज के साथ क्या कर दिया जाए? मूलधन और ऐड कर दें, 12,607.5। ये क्या हो गया? आपका अमाउंट हो गया। ये क्या हो जाएगा? आपका अमाउंट हो जाएगा। बिल्कुल आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। ये जो हुआ 2 वर्ष के लिए हुआ। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यदि मान लीजिए 3 वर्ष दिया है, तो 3 वर्ष के लिए जो है आप किस प्रकार से निकालेंगे? तो 3 वर्ष के लिए अपन यहाँ पर आते हैं। पहले एक सिंपल से एग्जाम्पल से चलेंगे कि 1,000 रुपए 10% की दर से और 3 वर्ष, 1,000 रुपए का 10% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का जो है आपसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या दोनों का अंतर पूछा है। तो 3 वर्ष पूछा है, तो पहले आपको करना क्या है? 3 वर्ष का डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना बिल्कुल आसान है। ये मूलधन पहले वर्ष सिंगल लाइन होगा, दूसरे वर्ष 2 गुना कर दो इसका, तीसरे वर्ष इसका डबल कर दो, 1, 2, 3, 4। मूलधन आपको दिया है 1,000, 10% मतलब कितना होगा? 10/100।
डायग्राम बनाने का तरीका मैंने बता दिया। मूलधन पर ब्याज, ये पहले ब्याज का ब्याज, ये मूलधन पर ब्याज, ये पहले ब्याज पर, दूसरे पर और ये तीसरे पर। तो जैसा कि अपन यहां पर देख रहे हैं, 1/10, 1000 का 1/10 भाग 100, 100 का 1/10 भाग 10, 10 का 1/10 भाग 1। ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट कर दें, 100, 100, 10, 10। ये पहली जो लाइन होगी ये किस प्रकार से बना है, इसके ऊपर देखे तो 2 बार 100 है, तो 2 बार 10, इसके ऊपर देखे 1 बार 100 था, 1 बार 10 आया था, और नीचे होता देखे तो 3 बार 100 है, तो 3 बार 10 आया। तो यहाँ पर अपन बात करें, पहली लाइन जो होगी ये साधारण ब्याज की है, एसआई की है, तो एसआई कितना हो गया इसमें 300। ये कंप्लीट जो होगा ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 331। ये जो है दोनों का अंतर है, तो सीआई माइनस एसआई कितना है 31 रुपए, और इनके साथ मूलधन को और जोड़ दें तो क्या हो गया, अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया, कितना हो जाएगा 1331। अब यहां पर आपसे पूछ सकते हैं कि केवल पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 100 रुपए केवल पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। केवल दूसरे वर्ष की बात करें तो केवल दूसरे वर्ष का क्या है 100 और 10, 110 रुपए। केवल तीसरे वर्ष की बात करें 100, 10, 10 और 1, मतलब कितना हो गया 121 रुपए। तो सिंपली आप निकाल भी सकते हैं, केवल दूसरे वर्ष के लिए, केवल तीसरे वर्ष के लिए, केवल पहले वर्ष के लिए, या दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष का अंतर, या पहले वर्ष दूसरे वर्ष का अंतर, किसी भी चीज के लिए आप जो निकाल सकते हैं। तो 3 वर्ष के लिए अपन एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से समझिएगा। ₹12,000 5% की दर से और 3 वर्ष के लिए निकालना। तो पहले तो 3 वर्ष का डायग्राम होगा, तो ये 3 वर्ष के लिए अपन ने जो है डायग्राम बनाया। अब मूलधन जो कि आपको दिया है ₹12,000, तो ये मूलधन के स्थान पर मैंने रख दिया 12,000। दर कितनी है 5%, 5/100। तो 5/100 भाग निकालते हुए आपको चलना है, पहले 5/100 भाग निकाले, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12×60 कितना हो गया 600। फिर 5/100 भाग निकाले, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया 5×6 30। फिर 30 का 5/100, 5 × 15 150/100, 150/100 मतलब कितना हो गया 1.5। 150/100 कितना हो जाएगा, ये क्या निकाला है अपन ने 30 रुपए का 5/100 भाग, ये 0 से 0 कट गया, 15/10 मतलब क्या होगा 1.5। अब सिंपल इसी प्रकार से इसको फिल करना है, 600 600 30 30। जैसे कि अपन यहाँ पर साधारण ब्याज की बात करें तो जो पहली लाइन है साधारण ब्याज के लिए, ऐसा ही कितना आ गया आपका 1800 रुपए। चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो ये कंप्लीट क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा, तो यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1800 30 30 30, 90 और 1 91, तो 1891.5, ये क्या होगा आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा। दोनों के डिफरेंस की अपन बात करें कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो 91.5, ये क्या हो गया दोनों का अंतर। और अमाउंट की बात की जाए कि अमाउंट क्या होगा, तो मूलधन को और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 13,891.5, ये क्या हो गया आपका मिश्रधन हो गया। ठीक है, किसके लिए, 12,000 रुपए 5% की वार्षिक ब्याज दर से, कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए दिया था, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मित्रधन और दोनों का डिफरेंस। केवल यदि अपन बात करते कि केवल पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 600 रुपए, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 630 रुपए, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 630 और 30, 60 और 1 61.5, 661.5। तो ये कंप्लीटली केवल पहले वर्ष, केवल दूसरे वर्ष और केवल तीसरे वर्ष, ये चीज भी आप जो है इसी डायग्राम से बना सकते हैं।
तो सभी चीजें जो है एक ही डायग्राम के अंतर्गत आती हैं, एक ही डायग्राम से आप इन सभी चीजों को सॉल्व कर सकते हो, वो भी बहुत कम समय। ठीक है, तो और एग्जाम्पल अपन इस पर देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज पर। क्वेश्चन दिया है 8,000 रुपए पर, 8,000 रुपए पर 4% की दर से और 3 वर्ष। 8,000 रुपए मूलधन दिया है, 4% की वार्षिक ब्याज दर दी है और 3 वर्ष के लिए जो है आपको निकालना है कि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा या इनका डिफरेंस कितना होगा। तो सिंपल पहले अपन 3 वर्ष का डायग्राम बनाते हैं। तो ये 3 वर्ष के लिए क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब जैसा कि आपको दिया है मूलधन 8,000, तो ये मूलधन के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, 8,000। 4% दर है 4/100। ठीक, ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 8 चुको 32, 320। फिर 320 × 4/100, 0 से 0 कट गया, कितना होगा 32 × 4, 128। और नीचे एक 10 है तो एक के बाद ये मिलता 12.8 × 4/100, तो 128 × 4 कर सकते हैं अपन, कितना हो जाएगा 512 डिवाइड बाय कितना है 100, और एक पॉइंट ये था तो 0.512। ये यहाँ किस प्रकार से निकाला है अपन ने, एक बार यहाँ पर मैं लिख दे रहा, 4/100 × 12.8, पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 0, 512। 128 × 4 कितना हो गया 512/1000, मतलब 0.512। अब सिंपल सभी को लिखना है 320, 12.8, 12.8 और 0.512। ठीक है, तो 320 320 320, यहाँ पर सीआई की बात, सॉरी एसआई की बात की जाए तो कितना हो गया आपका ये 960 रुपए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 960 ये हो गया 12 12 12, तो 12 3 कितना हो गया 36 और 8 8 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 5 कितना होगा आपका 29, 29 मतलब तो यहाँ पर आ गया, तो 36 और 2 कितना हो गया 38। तो 960 + 38.912। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ऐड कर दें सिंपल 8 9 9.912। ये क्या हो गया आपका चक्रवर्ती ब्याज। डिफरेंस की बात करें कि सीआई माइनस एसआई क्या होगा, तो सीआई माइनस एसआई आ गया आपका 38.912। सीआई माइनस एसआई कितना हो गया 38.912। मिश्र धन अमाउंट की बात की जाए तो 8,000 और जोड़ दो, मतलब 8,998.912। बिल्कुल आसानी के साथ आप दशमलव के 3 अंक तक जो है चक्रवर्ती ब्याज निकाल रहे हैं। ठीक, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि ये हो गया कंप्लीट वर्ष के लिए, कंप्लीट 2 वर्ष हो गया, कंप्लीट 3 वर्ष हो गया, कंप्लीट 4 वर्ष हो गया। अब इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि 1.5 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष 3 माह का कितना होगा, 2 वर्ष 2 माह का कितना होगा, या 2 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो वो सभी भी आप जो है इसी डायग्राम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो उन्हीं की तरफ अपन बढ़ते हैं। हम जैसे मान लीजिए 1.5 वर्ष की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि 1.5 वर्ष के लिए जो है आप चक्रवर्ती ब्याज किस प्रकार से निकालेंगे, ये यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, और ना भी हो तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं 1.5 वर्ष की तरफ। मान लीजिए 8,000 रुपए पर 10% की दर से और आपसे पूछा है कि 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। 1.5 वर्ष मतलब क्या हुआ, 1 वर्ष पूरा और दूसरे वर्ष में से केवल कितना हिस्सा चाहिए 6 माह। 6 माह मतलब कितना हो गया, आधा भाग हो गया। तो जैसा कि अपन ने डायग्राम देखा है, डायग्राम कंप्लीट वर्ष के लिए, कंप्लीट 1 वर्ष के लिए होगा, कंप्लीट 2 वर्ष के लिए होगा, या फिर कंप्लीट 3 वर्ष के लिए होगा। तो जैसा कि यहां पर 1.5 वर्ष पूछा है, तो 1.5 वर्ष के लिए आपको करना क्या है कि पहले तो डायग्राम बना दें अपन, डायग्राम जो है 2 वर्ष का ही बनाना होगा क्योंकि इससे कम का ऑप्शन है नहीं, पर जो है 1 वर्ष के लिए होगा। इसी से जो है आप बता सकते हो कि 1.5 वर्ष का जो है चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा।
तो जैसा कि यहाँ पर दिया है 8,000 रुपए और वार्षिक ब्याज दर 10% है, मतलब 10/100 1/10 भाग लिखना है। तो 1/10 भाग कितना हो गया 800, 800 का 1/10 भाग कितना हो गया 80, ये 800। अब यहां पर यदि अपन बात करें तो ये कितने समय के लिए है, 2 वर्ष के लिए है, क्योंकि तो आपसे पूछा कितना है 1.5 वर्ष। 1.5 का मतलब क्या हुआ, पहला वर्ष पूरा और दूसरे में से केवल कितना चाहिए आपको आधा भाग, तो आधा कर दे इसको 400 और ये कितना हो गया आधा 40, ठीक है। तो अब यहां पर अपन बात करेंगे ऐसा ही कितना होगा 800 और 400 1200 रुपए, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा सीआई कितना होगा 1200 और ये कितना 40, ठीक है। सीआई माइनस एसआई की बात करें तो कितना हो गया 40 रुपए। अमाउंट की अपन यहां पर बात करें तो 8,000 1240 मतलब कितना हो गया 9,240 रुपए। तो ये 1.5 वर्ष के लिए भी निकाल सकते हैं, इवन आप जो है 1 दिन का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर पूछा होता मैंने कि 1 वर्ष और 1 दिन का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो ये हो गया पहला कंप्लीट वर्ष के लिए और ये दूसरे वर्ष का है जिसमें से मान लीजिए आपको 1 दिन का चाहिए। यदि पूरे वर्ष की अपन बात करें तो पूरे वर्ष में जो है 365 दिन होते हैं, तो 1 दिन का यदि निकालना है तो 880/365 ये क्या हो गया सिंगल डे का चक्रवर्ती ब्याज होता है। 1 वर्ष और 1 दिन, 1 वर्ष 2 दिन, 1 वर्ष 5 दिन, 1 वर्ष 50 दिन, कितने भी समय का जो है आप चक्रवर्ती ब्याज यहां पर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन से अपन जो है समझेंगे, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 12,000 रुपए पर 5% की दर से 1/3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालें। 12,000 रुपए पर 5% की दर से 1/3 वर्ष का जो है चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो यहां पर यदि अपन बात करें 12,000 रुपए ये हो गया पड़ेगा 1/3, 1 से ज्यादा है मतलब क्या होगा आपका 1 से ज्यादा दिया है मतलब क्या होगा 2 वर्ष के लिए बनाना होगा, और 2 वर्ष का यदि अपन यहां पर बनाते हैं तो ये क्या हो गया 12,000। और जैसा कि दर आपको दिया है कितना है 5%, तो 5% मतलब क्या हो गया 5/100। अब जैसा कि अपन 2 वर्ष का डायग्राम बनाते हैं तो ये 2 जीरो और 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल, 12 × 5 कितना 600। और आगे की तरफ बात करें 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया 30, ये 600। अब जैसा कि यहां पर पूछा 1/3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, मतलब 1 वर्ष पूरा और दूसरे वर्ष में से कितना चाहिए आपको 1/3 भाग चाहिए, तो दूसरे वर्ष का कितना निकाल दो आप 1/3, 600 का 1/3 कितना हो गया 200 रुपए, 30 का 1/3 कितना हो गया आपका 10 रुपए। यहां पर टोटल यदि अपन बात करें ऐसा ही कितना हो गया 1/3 वर्ष के लिए 800 रुपए, सीआई कितना हो जाएगा आपका 810 रुपए, सीआई माइनस एसआई कितना होगा 10 रुपए, अमाउंट कितना हो जाएगा 12,810 रुपए। तो बिल्कुल आसानी के साथ जो है आप निकाल सकते हैं 1.5 वर्ष के लिए या कोई भी फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू दी है 1/1/3 वर्ष, 1/2/3 वर्ष, तो किसी भी समय के लिए जो है अपन चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज यहां पर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसी प्रकार से दिया होगा या 2 वर्ष से ज्यादा समय दिया हो, 2/1/3, 2/2/3 इस प्रकार से, तो उन क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है 2/1/2 वर्ष के लिए 15,000 रुपए पर 10% की दर से 2/1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज या इनका डिफरेंस निकालना हुआ, तो पहले अपन 2/1/2 दिया है मतलब कितना बनाना होगा 3 वर्ष, तो ये 3 वर्ष का डायग्राम हो गया। अब यहां पर अपन बात करें कि 15,000 रुपए 10% मतलब 10/100 1/10 भाग, तो 15,000 रुपए का 1/10 भाग 1500, 1500 का 1/10 भाग 150, 150 का 1/10 भाग कितना हो गया 15 रुपए। ये 1500, 1500, 150, 150।
अब क्योंकि यहाँ पर पूछा है 2 सही 1/2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष पूरे और तीसरे वर्ष में से आपको कितना चाहिए, 1/2 भाग चाहिए। तो ये 2 वर्ष कंप्लीट हो गया और इसमें से कितना चाहिए अपन को, आधा भाग चाहिए। तो आधा करते हैं, 1500 का आधा 750, 75 75 और 7.5। अब यहाँ पर अपन साधारण ब्याज की बात करें तो पहली लाइन जो होगी वो साधारण ब्याज के लिए एसआई के लिए है, 1500 1500, 3750, तो 3750 की एसआई होगी। इसी प्रकार से सीआई की बात की जाए, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 3750 ये 150 75 75 150 300 307.5, तो 307.5 और जोड़ देंगे अपन इसमें तो कितना हो गया 4057.5। तो ये क्या हो गया आपका, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। डिफरेंस की बात करें कि सीआई माइनस एसआई कितना होगा, तो सीआई माइनस एसआई हो गया आपका कितना, 307.5। और मिश्रधन अमाउंट की बात की जाए तो मूलधन के साथ साथ ब्याज को और जोड़ दें तो ये मिश्रधन हो गया कितना होगा, जो कि आपका 1957.5। ये क्या हो गया आपका मिश्रधन, कितने समय के लिए, 2 सही 1/2 वर्ष के। एक और क्वेश्चन से अपन समझते हैं इस प्रकार को, ठीक 1800 या 4800 रुपए पर 5% की दर से 2 सही 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और इनका डिफरेंस निकालना है। तो 2 सही 2/3 मतलब 3 वर्ष का डायग्राम बनाना होगा। तो पहले ये 3 वर्ष के लिए डायग्राम हो गया, तो ये 3 वर्ष का डायग्राम हुआ। अब मूलधन दिया है आपको 4800, तो ये 4800 5% है, 5/100। देखें 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 48 × 5 5 × 40 0, ठीक है क्या हो जाएगा 4 5 × 20 = 24 240। फिर देखें 0 से 0 कट गया कितना होगा 120 120/10 मतलब कितना हो गया 12। नेक्स्ट अपन बात करें 12 × 5 = 60 60/100 0.6। ये सिंपल आप फिल कर देंगे 240 240 12 12। ये सभी अपने यहाँ पर एक बार लिख दे रहा कि किस प्रकार से आते हैं, 240 का कितना 5/100, ये 0 से 0 5 से 2 कितना आ गया 12। और ये फिर क्या होगा 12 का 5/100 12 × 5 = 60/100 60/100 मतलब कितना 0.6, ठीक है। तो जैसा कि 2 सही 2/3 तो इसमें से आपको कितना चाहिए, 2/3 भाग चाहिए। इसमें से कितना चाहिए, 2/3, तो 240 का 2/3 कितना हो जाएगा 2/3, 2 वर्ष कंप्लीट और इसमें से 2/3 80 × 2 कितना होगा 160 रुपए, 2/3 4 × 2 8 1/2 0.6 का 2/3 0.4, ये 2/3 हो गया 2/3। तो 2 सही 2/3 तो 2 वर्ष पूरे और तीसरे में से 2/3 तो ये 2/3 भाग हो गया। एसआई की बात करें, एसआई कितना होगा 240 240 और 160, ये हो गया आपका 480 480 और कितना 160, कितना दिया है 480 और 160, ये क्या हो जाएगा 0 8 × 6 = 14 6 640 रुपए। नेक्स्ट अपन सीआई की बात करें, सीआई कितना होगा तो ये हो गया 640 12 8 20 20 और 8 28 28.4, तो इसे 28.4 और ज्यादा मतलब 668.4, ये क्या हो गया आपका सीआई हो गया। डिफरेंस की बात करें कि सीआई माइनस एसआई क्या होगा तो 28.4 और अमाउंट की बात करेंगे तो 4800 के साथ 668.4 और ऐड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है आप मूलधन और दर और समय दिया होगा तो उसे आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज, इनका डिफरेंस, साधारण ब्याज या मिश्रधन निकाल सकते हैं।
अपने अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब आपको ब्याज दिया होगा और ब्याज को भी आप इसी डायग्राम से सॉल्व करेंगे, ब्याज से किस प्रकार से जो है आप मूलधन निकालेंगे, ब्याज से जो है आप किस प्रकार से समय निकालेंगे। तो एक एक वीडियो में देखेंगे, पहली वीडियो में जो हुआ ब्याज निकालना, नेक्स्ट वीडियो में अपन मूलधन निकालना देखेंगे, उसके बाद समय और दर। ठीक है, चारों चीजें हो गई, तो चक्रवर्ती ब्याज का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, बिल्कुल इजी है, इससे बनाना भी सिंपल है। और भी कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।